अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, सलामती के साथ रखे, आमीन। आज मैं पिंड आई हूँ हमारे गांव में, जहाँ कुमार ने मेरा सामान बना रहा है। तो यहाँ जी देख सकते हैं, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई हूँ। जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि मेरा मिट्टी का बर्तन जो ऑर्डर किया बनाने, तो जी ये देखिए ये ग्लास है। ये ग्लास कुछ ज़्यादा ही है, इसमें से मैं कुछ ही ग्लास ऑर्डर किया है। और साथ में ये जग देख रहे हैं, ये अजीब अभी अभी बना है, अभी ये सूखा नहीं है, इसको सूखने में टाइम लगेगा। साथ में ये बाउल्स है, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ बाउल्स आप देख रहे हैं, साथ में यहाँ भी कुछ बाउल्स है। और इसके साथ साथ देखिए ये वाला डिज़ाइन का ग्लास भी मैंने दिया था, और ये हंडिया दिया था खाना बनाने के वास्ते, और इसका ये ढक्कन है, दो हंडिया है। और साथ में एक ऐसा वाला भी बर्तन मैंने दिया, ये भी इसका भी ना खाना बनने के लिए, इसका जो पैक करने वाला अभी तक ये लगा नहीं है, और ये जग है। और वो देखिए कढ़ाई है, कढ़ाई का भी अभी हैंडल लगा नहीं है, वो भी लगेगा। तो ये सारा बर्तन बना है, कुछ और चीज़ है जो अभी तक इनकम्प्लीट है, उन्होंने बनाया नहीं है, तो उन्होंने अभी बनाएगा। तो अभी इसको ना अजी अजी इन्होंने बनाया है, अभी ये सूखा नहीं है, ये सूखने में टाइम लगेगा, फिर इसको जाके इन्होंने ना पक्का करेंगे। तो आप लोग लाजमी बताइएगा कि मेरा जो मर्द किचन का जो सामान है जो बना है, ये कैसा बना है, आप लोग लाजमी बताइए। पर देखिए जी सामान जो है वो इस्माइल भाई बना रहे हैं, और वहाँ पर सामान बन रहा है, तो ये इनका जो ऑर्डर का चीज़ है वो बन रहा है, और यहाँ पर जो है मेरा सामान बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरा अल्लाह के। तो बाकी जो सामान है वो अभी रह गया है, वो भी अभी बनना है, तो वो भी आज ही बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रही तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर। तो देखिए जी यहाँ पर ना ये डिज़ाइन हाथों से बन रहा है, और ये डिज़ाइन देखिए इस तरीके से हाथों से जो होता है ना इसको बनाया जाता है, ये देखिए जी। तो ये बिल्कुल हैंड वर्क है, और हाथ का ये डेकोरेशन है, कला है जिसको कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट है। पहले मिट्टी का जो बर्तन है वो बन जाता है, देन आफ्टर इसको जो है ना हाथ से इनको इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है। माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत से डिज़ाइन बन रहा है। तो एक चीज़ का जो फिनिशिंग आता है ना, वो एटलीस्ट एंड ऑफ द टाइम जाके वो कंप्लीट होता है, इतना आसान नहीं है कि सिर्फ एक ही बार में बन जाता है, तो इसका सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनता है। तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका डेकोरेशन हुआ है, और इसका लुक आप देख सकते हैं, जब ये पक जाएगा और ये मतलब बन जाएगा पक्का, तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। तो यू कैन सी गाइस, और देखिए मौसम इतना अच्छा, हवा चल रहा है, अभी बहुत तेज़ हवा चल रहा है, ये देखिए अभी जोहर का नमाज का अजान भी हो चुका है। देखिए यहाँ पर अभी भी बन रहा है, और ये कितना प्यारा, देखिए इतना सारा इन भैया से बात करते करते इन्होंने बना लिया है। तो इन्होंने बोल रहा है कि इसके बाद भी आपको इसका फिनिशिंग दोबारा देना है, ये डिज़ाइन बनने के बाद। तो ये डिज़ाइन जैसे कंप्लीट होगा मुकम्मल, तो भैया तो इसको कैसे आप बता रहे थे, इसको फिर से उल्टा करके कैसे करेंगे, इसको डिजाइन देंगे? ये इसको इस तरह मशीन पर उल्टा करके मशीन चलता रहेगा, फिर इसको खुरचेगा। जी जी हाँ, उसके बाद फिर ये फिनिशिंग आ जाएगा। हाँ, फिनिशिंग हो जाएगा, फिर इसको सुखा के फिर इसको पकाएंगे। पकाएंगे तो ये कितने दिन में पूरा पक्का बन जाएगा फिनिशिंग होके? ये दो दिन से तीन दिन में बन जाता है जी, पूरा पक्का हो जाता है। और एक दिन ही धूप लगाते हैं? एक ही दिन धूप लगाते हैं, धूप आजकल बहुत कड़ा है। अच्छा, तो जी इसमें पानी भरा जाता है, और यहाँ से जो पानी भर के मिट्टियों को जो है ना उस वाले पे भी बना रखा है, और इस वाले पे पानी भर के इस पे मिट्टियों को जो है गीला करते हैं, फिर वो मिट्टी जो है पकते हैं। तो ये देखिए जी, ये देखिए कितना खूबसूरत हवा चल रहा है, और ये पौधे के नीचे मंजे रखे हैं। तो चलिए मैं ना थक गई हूँ, यहीं बैठ जाती हूँ।
पापू के घर से ना फोन आ रहे हैं मेरी अम्मी जान का, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जी जो मेरा सामान बना है उनको इन्होंने उल्टा करके मतलब सुखाने के लिए दे रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए। तो सारे कारीगर मिलके जो है इनको जो है मूव कर रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए, ताकि इसको मेरा जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये सारे सामान जो है ये सब मेरा ऑर्डर का है और इन्होंने इनको धूप में रख दें ताकि जल्दी से सूख जाए। तो ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कमेंटमेंट किया था कि मैंने जो अपना मर्द किचन का सामान को मैंने बनाने के लिए अपने पिंड में ऑर्डर दिया उसका प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक चल रहा है, तो वो मैं आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बनाया और जो भी प्रोग्रेस है मैंने आप लोगों से शेयर किया। अभी मैं वीडियो ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, उम्मीद करते हैं आज की ये छोटे से वीडियो ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चाय पियोगे जी? चाय बनाए।